हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे फिर से एक बार मॉडल टेस्ट 2। ओके, तो आप सभी लोग तैयार हो? हाँ, इस वर्क को आप अपनी नोटबुक में करेंगे, ठीक है? तो टेक योर पेंसिल, ओपन योर बुक एंड नोटबुक। बुक में आप देखेंगे बैक साइड में मॉडल टेस्ट दिए हुए हैं, उसी में आज आपको पढ़ाना है क्वेश्चन नंबर सी। ये सॉल्व द फॉलोइंग एट 125 रुपीज़ 50 पैसे एंड 175 रुपीज़ 25 पैसे। रुपये पैसे आप लोगों ने पढ़े हैं मनी चैप्टर में। ओके, तो आपको वही रुपए एंड पैसे लिखने हैं। फिर इसके बाद पहले 125 रुपीज़ 50 पैसे में आप प्लस करेंगी 175 पैसे 175 रुपीज़ एंड 25 पैसे। रुपए में रुपए प्लस कीजिए एंड पैसे में पैसे। इस प्रकार से आप एडिशन करेंगी। अब यहाँ पे दिया है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 567 रुपीज़ 50 पैसे फ्रॉम 657 रुपीज़ 75 पैसे। बच्चों यहाँ पर लिखा सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट क्या होंगे? 567 रुपीज़ 50 पैसे और फ्रॉम 657 रुपीज़ 75 पैसे। यानी किससे किसको सब्ट्रैक्ट करना है? हाँ जी, फ्रॉम मतलब होते जो जिससे आपको सब्ट्रैक्ट करना। तो अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ देखिए कि लार्ज अमाउंट कौन सा है। यस, 657। अब आप जैसे प्लस का कर चुके हैं क्वेश्चन, इसी प्रकार से सब्ट्रैक्ट का करेंगे। लिखना केवल ये है आपको 657 रुपीज़ 75 पैसे, ठीक है? अब इसके नीचे सिक्स के नीचे लिखे फाइव एंड सिक्स के फिर इसके बाद फाइव के नीचे सिक्स, सेवन के नीचे सेवन, पॉइंट के नीचे पॉइंट, सेवन के नीचे फाइव एंड फाइव के नीचे ज़ीरो। ओके, डिजिट अंडर डिजिट होनी चाहिए बच्चों। हम बार बार बल्कि जब भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चंस बताते हैं तो ये ज़रूर बताते हैं कि किस प्रकार से डिजिट अंडर डिजिट नंबर्स लिखते हैं। ओके, अच्छा आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस, रुपए से रुपए और पैसे से पैसे, तो आंसर आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से विच शेप हैज़ मोर वर्टेक्स एंड बाय हाउ मैनी। बच्चों यहाँ पर एक सॉलिड शेप है और एक प्लेन शेप, सभी बच्चों को लर्न कराए ना सॉलिड शेप एंड प्लेन शेप्स। यस, तो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? एक क्यूबॉइड है और दूसरा रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल का सॉलिड शेप क्या होता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में फेस, एजेस एंड कॉर्नर्स कितने होते हैं बच्चों? जबकि रेक्टेंगल में कितने हैं? रेक्टेंगल में फोर साइड्स हैं एंड फोर कॉर्नर्स। इसी प्रकार से इसमें फेसेस कितने हैं बच्चों? वर्टेक्स, वर्टेक्स जो होते हैं वो होते हैं कॉर्नर्स। ओके, तो अब आप बता सकते हो वर्टेक्स इसमें कितने हैं? यस, ऑफ कोर्स आप बता सकते हो, एट मैंने लर्न कराया है आपको। फेस कितने होते हैं? सिक्स, एजेस 12 एंड कॉर्नर्स और वर्टेक्स 8। ओके, क्यूब एंड क्यूबाइड में फेस, एज एंड कॉर्नर्स इक्वल होते हैं, ठीक है? तो अगर आपने क्यूब के लर्न कर लिए हैं तो क्यूबाइड के लर्न हो जाएंगे, यदि आपने क्यूबाइड के लर्न किए तो क्यूब के अपने आप लर्न हो जाएंगे। इसी प्रकार से विच ऑफ दीज इज अ कोन। बच्चों यहाँ पर शेप्स आप लोगों ने लर्न किए ना। यस, तो आपको यहाँ बताना है कोन, इनमें से थ्री शेप्स दिए हैं, थ्री शेप्स में कोन शेप किसे कहेंगे? जैसे यहाँ फर्स्ट ग्रीन कलर का ये कोन है कि जो यहाँ पर प्लेन शेप दिया है जिसमें थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स हैं, ये है। या फिर इधर जो दिया है यहाँ पर एक प्रिज्म टाइप का, ठीक है, प्रिज्म शेप में, तो
अब आप बताएंगे कि इनमें से कौन, कौन का शेप सभी बच्चों को पता है ना? यस, जिसमें एक वन वर्टेक्स होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं? वन, एंड एक प्लेन शेप होते हैं, प्लेन फेस होते हैं, और एक कर्व फेस होता है, सबको पता है ना? यस, जो ये बेस होता है ना इसका, इसको हम प्लेन फेस सरफेस कहते हैं। इसी प्रकार से अब आप बताइए, एस्टिमेट द वेट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, यहाँ पर एस्टिमेट दिया है, ये नहीं कहने का इसको अगर आप टोटल वेट कर देंगे तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी। क्या करना है? टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कर देने से 200 ग्राम, 500 ग्राम प्लस 20 ग्राम, ओके? तो टोटल आप बता सकते हैं कितना वेट है? यस, और फिर उसके बाद उसका एस्टीमेट कीजिए, जैसे 200 प्लस 500 प्लस 20 ग्राम, तो टोटल वेट कितने ग्राम आ गए बच्चों? 500 प्लस 200 प्लस 20, फिर कितने हो गए? 500, यानी 720, कितने हो जाएंगे बच्चों? 720 ग्राम। अब 720 ग्राम जो है ये एस्टिमेट लगभग कितना जाएगा? यस, 1000 किलोग्राम, 1000 ग्राम, ओके, यानी 1 किलोग्राम के आसपास होगा, ये एस्टिमेट हम देते हैं, ठीक है? सिर्फ आपको लर्न करना है यहाँ पर एस्टिमेट द वेट ऑफ द फॉलोइंग जो दिया है इसको आपको केवल करना है, द टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिए गए इन ऑब्जेक्ट का आपको वेट, टोटल वेट बताना है। तो क्या करेंगे? 200 ग्राम प्लस 20 ग्राम प्लस 500 ग्राम प्लस कर दीजिए, टोटल वेट आ जाएगा, बस वही उसका आंसर आएगा, ओके? तो अब आप सब लोग कर लोगे ये? यस, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता है तो वो बच्चे ये देखिए, यहाँ रुपए दिए, पैसे दिए, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को ऐड करना है, ऐड जिसमें आपको प्लस का साइन लगाना है, सेकेंड में आपको सब्ट्रैक्ट यानी माइनस का साइन लगाना है, इसी प्रकार से क्यूबॉइड में देखो अधिक वर्टेक्स होते हैं ना, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को नीट एंड क्लीन वर्क करके अपनी नोटबुक में करना है, ये वर्क किस में करना है बच्चों? नोटबुक में कीजिए और जल्द से जल्द सेंड कीजिए।